तो हे व्हाट अप एवरीवन, दिस इज हर्षित। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। ओके, तो गाइस आप में से काफी लोग अब एनएम मीटी बाइक आपको जैसे पता है कि सब आ चुके हैं, सीटी वगैरह रिजल्ट आ गया, प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, एक मेरिट लिस्ट भी आ चुकी है। तो काफी लोग पूछ रहे थे भैया अब बताओ क्या होगा, मतलब क्या कट ऑफ और आने वाली है या फिर आपका मेरिट लिस्ट क्या आने वाली है, सब कुछ इस वीडियो का एंड तक देखना बता दूंगा। सो यार वीडियो जल्दी स्टार्ट कर सकते हो, इसी टाइम लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। सो गाइज स्टार्टिंग में भैया पहले तो आपके एक मेरिट लिस्ट ऑलरेडी आ चुकी है, तो या जिनका हो गया कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड इनका न्यू है अभी वेट करो मेरिट लिस्ट। अभी ऐसा मैं बताऊँ आने वाले नहीं, देखो इसकी भी दो तीन मेरिट लिस्ट आती है, तीन तो इनफैक्ट आती ही आती है लाइक मोस्ट ऑफ द केसेस में। अब लेकिन ऐसा भी मत लेके जो देखो NMIMS मैंने बोला था कि क्या पता ना आए, तो नहीं आई है NMIMS की सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं है। एंड काफी लोग पूछ भी रहे थे कि अब आई जाएगी, नहीं आने वाली NMIMS की और मेरिट लिस्ट नहीं आ रही है गाइस, फर्स्ट मेरिट लिस्ट ही खत्म हो गया। इवन अब तो उनकी क्लासेस ओरिएंटेशन सब चालू हो गया है, तो अब नहीं आने वाली लिस्ट। अब टॉकिंग अबाउट NMIT भाई, चांसेस है आ जाएंगी इनकी, इसकी तो एक हर साल आती है, इनकी एक दो मेरिट लिस्ट और आनी चाहिए। तो या वेट करो आ जाएगी, चिल करो, एक तो आएगी आएगी अपनी सेकंड मिले, थर्ड भी आ जाएगी 98% लेके चलो। अब आप मुझसे पूछोगे क्या कट ऑफ वगैरह जा सकते कैसे, देखो अब इसमें आपने CUET दिया था प्लस आपने आपका क्लास 12th का भी कंसीडर होता है, ठीक है, दोनों का मिला के इसमें आपका एडमिशन होता है। देखो आपको एग्रीगेट कैसे निकालना है, आपका क्लास 12th का जो आपका जितना भी स्कोर है, फॉर एग्जाम्पल 80 है तो उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, 40 आ जाएगा, उस 40 को लाइक आपको लेना है। प्लस आपका देखो फॉर एग्जाम्पल जनरल टेस्ट में स्कोर है आपका क्या बोलते हैं 100 है, ठीक है 100 आया, तो उस 100 को आपको डिवाइड करना है 250 से, टोटल क्वेश्चन जनरल टेस्ट में 250, उसके बाद जो भी आएगा उसको इंटू 5 कर दो, एक राइट आंसर का 5, तो इंटू 5, तो जो भी आपके पास आता है फॉर एग्जाम्पल 20 आया आपके पास, ठीक है सपोज 20 आया, फिर आपको जो आपका 12th का जो बोर्ड का हाफ था 40 उसके साथ प्लस कर देना, 40 प्लस 20 60, तो आपका एग्रीगेट आ जाएगा। तो इसके बेसिस पे अगर आपका 85 प्लस कुछ आ रहे हैं तो आपके मतलब 80-85 कुछ आ रहे हैं तो आपको किसी ना किसी कोर्स में मिल जाएगा कॉलेज में, देन मतलब NMIT बाय में किसी कोर्स के लिए आपको मिल जाएगा। फिर आपका BMS वगैरह के लिए हाई कॉम्पिटिशन है तो उसमें आपको थोड़ा ज्यादा चाहिए होगा, 90-92 ऐसे कुछ लेके चलो, ठीक है ऐसा सीन रहेगा। बाकी मेरिट लिस्ट और आने वाली कैसे नहीं आएंगी, बट हाँ NMIMS का सोचा NMIMS के बता देता हूँ कि गाइस NMIMS की नहीं आ रही, ASMS की तो डेफिनेटली नहीं आ रही है, एंड बाकी कोर्सेज का भी लाइक और मेरिट लिस्ट आने के चांस नहीं क्योंकि सबके ओरिएंटेशन क्लासेस सब चालू हो चुके हैं, तो अब मेरिट लिस्ट आना डजंट मेक सेंस। बाकी अब देखो ये जनरल कैटेगरी का मैंने बताया था कट ऑफ, अगर आप किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हो गुजराती या फिर और माइनॉरिटी कैटेगरी वगैरह कोई है तो आपको ऑब्वियसली फिर आपका लो मतलब 70-65 इतने में भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड गाइस अब देखो काफी लोगों से पूछते थे मैनेजमेंट कोटा से हो सकता है डायरेक्ट एडमिशन ये वो ये वो, तो गाइस इट्स पॉसिबल, आपको किसी भी लाइक HR KC जय हिंद NMITY हो गया क्राइस्ट सिम्बायसिस वगैरह में चाहिए या फिर किसी आपको लॉ कॉलेज में चाहिए भारतीय विद्यापीठ सिम्बायसिस क्राइस्ट वगैरह या फिर आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में चाहिए या फिर मेडिकल वगैरह भी, तो आप मुझे एक बार इंस्टा पे ड्रॉप करो, टेक्स्ट मैं करवाता नहीं हूं बट मैं आपको समझा दूंगा क्या प्रोसेस है एंड आपको एक कनेक्ट करवा दूंगा, ठीक है मैं करवाता हूं मैं कनेक्ट करवा सकता हूं, ठीक है तो आप इंस्टा पे DM कर सकते हो। बाकी आपको मेरे साथ वन ऑन वन पर्सनल गाइडेंस सेशन लेना है तो इस नंबर पर टेक्स्ट कर दो, हो जाएगा मैं आपके लाइक कोऑर्डिनेट करेगी हमारा एक सेशन शेड्यूल करवा देगी। बाकी गाइस एक मेरा स्टार्टअप लॉन्च हुआ है जैसे कि आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि दैट इज नेम्ड एज कॉलेज को, जिसमें हम सब कुछ प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज लाइक आपका एंट्रेंस कोचिंग वगैरह, आपका एकोमोडेशन सॉर्टिंग काउंसलिंग A to Z फॉर्म फिलिंग वगैरह, तो सब कुछ है। ऑब्वियसली अभी एकोमोडेशन सीजन चल रहा है उस पर मेन फोकस है, तो आपको एकोमोडेशन रिलेटेड कुछ भी हेल्प है तो आप इस वेबसाइट है जो हमारी उस पर जाओ फॉर्म फिल कर दो, हमारी टीम को आपसे लाइक कॉन्टैक्ट करेगी आपके एकोमोडेशन सॉर्ट वगैरह कर देगी। बाकी आपको इस नंबर पर भी जो मैंने काउंसलिंग के लिए उस पर भी कर सकते हैं एकोमोडेशन सॉर्टिंग के लिए, ग्रुप वगैरह भी बन चुके हैं PG हॉस्टल्स वगैरह के जैसे मुंबई का बन गया है बैंगलोर पुणे का, तो ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सारे इंपॉर्टेंट लिंक डाल दूंगा। बाकी आपका फ्लैट वगैरह के लिए मुंबई के लिए बन गया और भी बहुत सारी सिटीज के लिए बहुत जल्दी आ रहे हैं, ठीक है तो एकोमोडेशन ऑल ओवर इंडिया सॉर्ट करने का ट्राई रहेगा फॉर स्टूडेंट्स, आपका काउंसलिंग भी प्रोवाइड होगी नेक्स्ट बैच के लिए, एंट्रेंस कोचिंग मतलब सब कुछ मिलेगा, ठीक है आपको स्टूडेंट कम्युनिटी उसका लिंक भी नीचे मिल जाएगा। तो या एंड बाकी और भी बहुत सारी चीजें प्लान आगे, बस मुझे इतना ही बताने वीडियो है, वो आपके यूजफुल इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज लाइक कर देना एंड इफ यू चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब राइट मैसेज आता है कॉलेजेस कॉलेज एंट्रेंसेस कॉलेज ब्लॉग्स वगैरह, एंड अब तो और भी बहुत कुछ आ रहा है अब्रॉड के लिए आ रहा है कॉन्टेंट वगैरह ब्लॉग्स वगैरह कॉन्वोकेशन वगैरह इसके अलावा बहुत कुछ आ रहा है, इसलिए डू सब्सक्राइब राइट नाउ ड्रॉप को देखा मुझे DM कर सकते हो मुझे फॉलो करना जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा। बस गाइस चलो वीडियो में, सो गाइस स्टे हैप्पी स्टे सेफ।